लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। चौबीस जून से एक बार फिर दीपा पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट सर्वपक्षीय कृति समिति ने आंदोलन की तैयारी कर ली है। मुद्दा वही है कि एयरपोर्ट पर दीपा पाटिल साहब का नाम दिया जाए और आज उसकी प्रिपरेशन बैठक हुई है पनवेल में। इस वक्त हमारे साथ जो सर्वपक्षीय कृति समिति है उसके कोर कमेटी के मेंबर हैं पूर्व सांसद संजू नाइक साहब। सर आज क्या क्या फिर से तय किया गया है, किस तरह से इसकी आंदोलन की रणनीति बन रही? लोक नेता दीपा पाटिल साहब के नाम से नवी मुंबई में होने वाला जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है उसको नाम दिया जाए, ये मांग आज नहीं कई सालों से, 10वीं उनके निधन के बाद, उनके मृत्यु के बाद ये 10वीं सालगिरह होने वाली है। और हमारे सभी, ये सिर्फ कोई एक समाज के लिए प्रति नहीं, एक ऐसा नेता जिसने नीचे से लेकर देश की पार्लियामेंट तक अपनी आवाज़, विधायक हो, सांसद हो, सरपंच हो, ऐसे विरोधी पक्ष नेता हो, और अगर उनकी नाम देने के लिए अगर जनता यहाँ की मांग कर रही है तो कोई गलत नहीं है। माननीय बाला साहब जी का नाम कहीं भी दिया जा सकता है, ऐसी धारणा सबकी है, और इसलिए बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय सिडको और सभी ये जो आघाड़ी है, आघाड़ी के सभी नेताओं को जाकर, अभी साल भर में सभी लोग जाकर मिल के आए हैं, उनके मन में है, उनकी इच्छा है, लेकिन कुछ कहीं तो वो अटक गया है। और ये चीज को हम नहीं चाहते प्रजातंत्र में इसको रास्ते पे आके गलत तरीके से उसको आगे बढ़ाया जाए। हम चाहते हैं कि बैठकर शांतता से और बहुत अच्छे विचारधारा से खुशी के साथ दीपा पाटिल जी का नाम दिया जाए। 24 तारीख को वही होने वाला है, एक प्रतीकात्मक आंदोलन वहाँ होगा, सिडको को वहाँ घेराव किया जाएगा और हज़ारों की संख्या में लोग आएंगे और शांततापूर्वक कहीं भी गलत चीज़ न होते हुए एक जो अपनी प्रजातंत्र भारत की जो संविधान है उसको सामने रखकर ये आंदोलन किया जाएगा। सर इसमें क्या खास होगा, आपको लगता है कि भरोसा अभी इतने, जब लाखों लोग सड़क पर उतरे इसके बावजूद भी सिडको ने आज तक उस प्रस्ताव को भी कैंसिल नहीं किया? इसकी ताकत ये है कि सिडको आगे जा रहे थे, ब्रेक लगा दिया उसने, सरकार ने ब्रेक लगा दिया, सिडको ने ब्रेक लगा दिया, और मुझे लगता है कि सरकार को भी कहीं लग रहा है कि भाई यहाँ कहीं तो चूक हुई है और वो सुधारने की कोशिश, मुझे निश्चित है, मैं आज भी सकारात्मक हूँ कि आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब जब दीपा पाटिल साहब का देहांत हुआ था उस वक्त आए तो उन्होंने इस चीज़ को दोहराता कि भी ऐसे बड़े वास्तु का उनका नाम हो, तो वही चीज़ तो मांग रही है। तो मुझे लगता है अभी आज भी हम सकारात्मक है, 24 तारीख को उनकी 10वीं उनके देहांत के बाद में उनकी सालगिरह है, उसके उपलक्ष में ये आंदोलन प्रतीकात्मक होने वाला है। बहुत बहुत थैंक यू। जैसा कि आपने सुना कि अब ये भरोसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार जिस तरह से तमाम आंदोलनों के बाद ठहर गई है इस मुद्दे को लेकर, इस बार निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगी और एयरपोर्ट पर दीपा पाटिल का नाम देने के लिए नई पहल करेगी। कैमरामैन रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, टीवी वन इंडिया, नवी मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।